थ्रेशर ड्रम बैलेंसिंग। थ्रेशर एक हाई स्पीड रोटेटिंग मशीन है जिसमें ड्रम का बैलेंस होना काफ़ी मात्रा में ज़रूरी है, वरना मशीन में अधिक वाइब्रेशन और आवाज़ आ सकती है। थ्रेशर ड्रम बैलेंसिंग चेक करने के लिए थ्रेशर ड्रम को हाथ से घुमाएं। अगर थ्रेशर ड्रम धीमी होने के बाद एक जगह पर रुक जाए तो थ्रेशर ड्रम की बैलेंसिंग ठीक है, पर अगर थ्रेशर ड्रम रुकने के बाद फिर से उल्टी दिशा में रोटेट करने लगे तो थ्रेशर ड्रम की बैलेंसिंग सही नहीं है। थ्रेशर ड्रम की बैलेंसिंग करने का तरीका। थ्रेशर ड्रम अगर बैलेंस्ड नहीं है तो ये रुकने के बाद उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगा। उल्टी दिशा में घूमते हुए जिस स्ट्रिप में ज्यादा वेट है वह स्ट्रिप नीचे जाके थ्रेशर ड्रम रुक जाएगा। करना यही है कि जो स्ट्रिप नीचे जाके रुक जाए उसे 90 डिग्री के एंकल में उठाकर आगे की तरफ ले। उसके विरुद्ध दिशा में जो स्ट्रिप है उस पे वेट डाले। वेट थोड़ा थोड़ा करके तब तक ऐड करते जब तक दोनों तरफ एक समान वेट हो जाए। अब जब दोनों तरफ एक समान वेट है तो थ्रेशर ड्रम एक जगह पर रुक जाएगा। डाले गए वेट को थ्रेशर ड्रम के साथ उस ट्रिप पे वेल्ड कर दें। थ्रेशर ड्रम को घुमा के देखें और अगर थ्रेशर ड्रम धीमे होके एक जगह पे रुक जाए तो थ्रेशर ड्रम की बैलेंसिंग ठीक हो गई है। अगर थ्रेशर ड्रम का कोई बीटिंग बोल्ट खराब हो गया हो, यदि निकल गया हो, तो इस वजह से होने वाले अनबैलेंसिंग को ठीक करने के लिए जो बोल्ट खराब या निकला हुआ है उसके बराबर विरुद्ध दिशा के बोल्ट को निकाल दें और काम जारी रखें। नया बोल्ट मिलने के बाद दोनों को फिर से जोड़ दें।